इंडिया लास्ट विलेज चितकुल किन्नौर के जूसी सेब, उनमें साइज इनका ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ये खाने में बहुत मीठे हैं और इसमें जूस बहुत ज़्यादा होता है। तो वो चले गए तो हमें मौका मिला यहाँ पे। इसके बाद फिर आगे चाइना बॉर्डर तिब्बत, पीछे भी मैंने आपको मिलाया था ढोलमा आंटी से, यहाँ पर वो लेबर एक्सपायर हो गया था ना यहाँ पर जब रोड बन रहा था। सो थोड़ी देर तक जितने भी होटल होम स्टे वो सब बुक हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम टापरी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर हिमाचल प्रदेश। तो सुबह 6 बजे हम उठ गए थे, नहा लिए, फ्रेश हो गए, अब तैयार हो गए, अब आगे की तैयारी करेंगे। आगे आज जाएंगे सांगला वैली चितकुल, जो इंडिया का लास्ट विलेज है उसको विजिट करेंगे। फिलहाल अभी का प्रोग्राम चितकुल तक का है। आज सुबह सुबह एक एक्सपीरियंस हुआ, जब मैं नहाने गया तो मैंने साबुन लगा लिया, उसके बाद साबुन बहुत मुश्किल से उतरा क्योंकि पानी यहाँ पे बहुत ठंडा है, लेकिन नहाया तो मैं गर्म से था। साबुन मैंने लगा लिया लेकिन साबुन उतारने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो आप भी जब कभी आओ तो इस बात का ध्यान रखना। फिलहाल गाड़ी की साफ सफाई चल रही है, गाड़ी को एक बार चेक करेंगे, इसका तेल पानी चेक करके फिर चलेंगे आगे, क्योंकि रास्ते कल बीच बीच में ऑफ रोड आई थी उसकी वजह से काफ़ी गाड़ी गंदी हो गई है। तो फिलहाल गाड़ी की सफाई के बाद फिर आगे चलेंगे। सुबह सुबह आज एक नुकसान हो गया, ये इंस्टा 360 था कैमरा, मैंने चार्जिंग लगाया तो इसके साथ ही ऐसे चार्ज होता है, तो जब मैंने इसको खींच के निकालना पड़ता है, जब मैंने खींच के निकाला तो ये वो इसका पीछे का जो कवर था वो इसके बीच में रह गया चार्जर के। अब देखता हूँ इसका कुछ जुगाड़ लगाता हूँ, अगर ये ठीक हो जाए, क्योंकि इससे शॉर्ट बहुत बढ़िया आते हैं। ये हुआ है ऐसे, और ये चीज़ अलग हो गई है, तो इसको निकालने के लिए किसके अंदर मैग्नेट लगी हुई है कैमरे के पीछे का जो कवर है उसको निकालने के लिए इससे हेल्प लेते हैं, देखते हैं कुछ बनता है कि नहीं। निकल तो गया, फिलहाल ये ठीक हो गया, मैंने ऑन करके भी देख लिया चल रहा है, लेकिन इसको पीछे फेविक्विक से ना चिपकाना पड़ेगा। तो फिलहाल फेविक्विक पड़ी है गाड़ी में, बाद में देखेंगे उसको। फिलहाल मैं ना एक दो शॉट लेना, तो इसका ना देसी जुगाड़ कर रहा हूँ, ये ऐसे इसको रील से घुमा के ऐसे घुमा के बांधूंगा, फिर ये निकलेगा नहीं। ये रात हम इस रूम में रुके थे, हिमाचल टूरिज्म का एक गेस्ट हाउस था, वहाँ पे हमें 1000 का ये रूम मिल गया था। वो रूम ठीक था, सुबह नहाने के लिए गर्म पानी वगैरह था। अब फ्रेश हो गए हैं, तैयार होके अब आगे चलते हैं चितकुल के लिए। रात हम टापरी में रुके थे, तो ये एक अनमोल ढाबा है, आंटी का ढाबा है ये। रात भी हमने डिनर यहाँ पे किया था, आंटी ने बहुत अच्छा प्यार से आंटी बेटा करके बोलती है। तो आंटी के कितने बजे खुलता है ये? 6 बजे से रात के 12 बजे तक है। अच्छा, सुबह 6 से रात के 12 बजे तक यहाँ पे खुलता है, हर तरह का खाना यहाँ पे मिलता है, सब चीज़ मिलेगा, आप जो चाहे खाने के ना। हाँ, जो आप जो भी आप ऑर्डर करोगे तो हाँ जी सब मिलेगा। अभी हमने परौठे खाए थे, आंटी ने बहुत बढ़िया परौठे बनाए, तो रात में आंटी को बोल के गया था कि सुबह नाश्ता भी आपके पास ही करेंगे। अच्छा, ये ढाबे का जो एड्रेस है, ये अनमोल ढाबा है मेन रोड पर टापरी में, जिला किन्नौर में। जब भी आप टापरी आओगे तो मेन रोड पर जब टापरी एंटर करते हैं तो ये लेफ्ट साइड पर पड़ता है, तो जब भी कभी यहाँ पे आओ तो आंटी के पास खाना खा के जुड़ जाना। तो आंटी थैंक यू। ठीक है बेटी, ठीक है। टाइम सुबह के 9 बज चुके हैं, आंटी के पास ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम चल पड़े हैं टापरी से करछम की तरफ। करछम से हम राइट हैंड लेंगे सांगला वैली, उसके बाद रक्षम और लास्ट में इंडिया लास्ट विलेज चितकुल में। तो नाइट स्टे भी आज हमारी चितकुल में होगी,
तो रास्ते में जो भी कोई अच्छा व्यू आएगा तो उसको एंजॉय करते जाएंगे, जो जो भी प्लेस देखने लायक होगी तो आपको दिखाएंगे और खुद भी एंजॉय करेंगे। तो आगे चल के आपको ज्वाइन करते हैं किसी अच्छे व्यू पे। गुड मॉर्निंग गाइज, एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग विद ए ब्यूटीफुल डे। आओ जीएस पलको विद मुसाफिर द लॉस्ट ट्रैवलर के साथ। असल में आज मैं अपना ये डायलॉग बोलना सुबह भूल गया था, टापरी से थोड़ा आगे आके ये शुरू किया। मैंने यहाँ पे इसलिए रुका कि ये नीचे सतलुज ऊपर से इसका पानी का फ्लो आ रहा है, सड़कों सड़क के साथ ही। फ्लो इसका यहाँ पे कम है क्योंकि पीछे करशम डैम आएगा यहाँ से 7 किलोमीटर आगे जाके, तो वहाँ पर इसका जो पानी वो डैम लगा के रुका हुआ है, तो वहाँ पर ग्रिड है, वहाँ पे एक पावर प्लांट है जहाँ पे ये बिजली वगैरह बनती है। तो आगे जाके मैं करशम डैम भी दिखाऊंगा, अभी फ़िलहाल आपको यहाँ से व्यू दिखा रहा हूँ सतलुज का। पीछे भी मैंने आपको मिलाया था ढोलमा आंटी से, जिनका वो अनमोल ढाबा है जहाँ पे हमने रात डिनर भी किया था और सुबह हमने नाश्ता किया, परौंठे खाए थे, तो बहुत टेस्टी थे। बच्चे कुछ बताना चाहते थे? हाँ तो टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। आप आओ एक बार, जब आओगे आप टेस्ट करना आंटी के परौंठे। हाँ कैसे परौंठे? बहुत टेस्टी थे। टेस्टी थे? कितने खाए परौंठे? 2 खाए हैं। इधर इधर देख के बोलते हैं, कितने खाए हैं? 2 तो नहीं खाए, कम खाए हैं? हाफ खाया। 2 है, हाफ खाया परौंठा। आंटी के परौंठे इतने बड़े बड़े थे कि हाफ हाफ ही खाया हुआ। तो अभी फ़िलहाल आगे चलते हैं। एक ना ये झरना है, हम इसलिए रुके कि आपको दिखाएं इसके बारे में। ये ऊपर से आ रहा है और इसका पानी बिल्कुल साफ है, हमने इसका पानी बॉटल में भरा है। ये सारा पानी पीने के लायक है और मिनरल वाटर इसके आगे क्या चीज़ है, मैं इस तरफ भी आपको दिखाता हूँ। झरने का पानी है ये, नीचे से वो सतलुज रिवर में गिर रहा है वो पानी। तो आगे जाके फिर झरने बल्कि ये सतलुज आगे जाके फैल जाती है, बहुत बड़ा रूप ले लेती है ये। तो अभी यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा पानी पूनी पी के फिर आगे जाएंगे। यहाँ से राइट टर्न लेके सांगला वैली जो ऊपर लिखा हुआ है वो 18 किलोमीटर, उसके बाद रक्षा माता 40 किलोमीटर, उसके बाद चितकुल, और चितकुल यहाँ से 42 किलोमीटर है। तो अभी राइट टर्न लेके हम चितकुल चलेंगे। तो अब NH5 को छोड़ते हैं यहाँ से, तो राइट टर्न लेते हैं सांगला की तरफ, लेकिन कल स्पीति जाने के लिए फिर हमें यहीं पे वापस आके NH5 को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अभी क्रॉस करते हैं ये करशम डैम पे बना हुआ ब्रिज, तो इसके बाद सामने जो चौक दिखाई दे रहा है यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट टर्न। तो आज का सफ़र हमारा बसपा रिवर के साथ साथ होगा, तो आज नाइट स्टे होगी हमारी चितकुल ब्रिज। इस टाइम हम पहुँच चुके हैं करशम बांगतू, ये डैम है 1045 मेगावाट, यहाँ पर बिजली जो है पैदा की जाती है। तो यहाँ पे जो पानी डैम बना के ये नीचे स्टोर किया हुआ पानी, तो आगे वो सामने बसपा प्रोजेक्ट है, पानी इकट्ठा करके बिजली पैदा की जाती है। ये पीछे पानी को इकट्ठा किया गया और वहाँ उसमें से पानी गुजरता है और टर्बाइन्स घूमती है और बिजली पैदा होती है। क्योंकि ये जब हम टर्न लेते हैं सांगला वैली को, तो सबसे पहले ये करशम बांगतू जो जगह का नाम है वहाँ पे ये डैम बना हुआ है। तो जब भी सांगला वैली आओ तो ये रास्ते में पड़ता है, तो यहाँ पे वीडियो वगैरह आप बना सकते हो, कोई मना ही नहीं है। तो वो सामने वहाँ पे गेट लगे हुए, जब भी ज़्यादा पानी हो जाता है तो
वो उस पानी को छोड़ देते हैं आगे। तो अभी आगे चलते हैं सांगला की तरफ। हमारे यहाँ आगे आगे वो हिमाचल रोडवेज की बस जा रही थी, तो आगे से कोई बड़ी गाड़ी आ गई है, तो अब लग गया जाम, तो थोड़ी देर वेट करनी पड़ेगी। सामने जो मंदिर आया है, इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है, तो आओ माथा भी टेकते हैं और पुजारी जी से जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में कि ये रास्ते में मंदिर क्यों बना है। तो आओ पहले माथा टेकते हैं। इस वे बताना इतिहास के बारे में। कौन सी मंदिर की? मंदिर के कब से बना हुआ ये? ये इसको हो गए 35-40 साल हो गए, पीडब्ल्यूडी वालों ने बनाया था। अच्छा, पीडब्ल्यूडी। ये ना पीडब्ल्यूडी ने मंदिर बनाया था सांगला को जाते हुए। कौन सी जगह पड़ती है ये? गुमडोखन। गुमडोखन यहाँ पर वो लेबर एक्सपायर हुए थे ना, यहाँ पर जब रोड बन रहा था। अच्छा, तो उनकी याद में बना हुआ ये। अच्छा, यहाँ पे 41 लेबर एक जे 41 लेबर 41 लेबर और जेई यहाँ पे काम करते हुए किसी भी लैंडस्लाइड वगैरह होगी, लैंडस्लाइड होगी तो उनकी डेथ होगी थी, तो उनकी ये एक आत्मा की शांति के लिए ये मंदिर बनाया गया है। ये मंदिर असल में पीडब्ल्यूडी ने बनाया, पुजारी जी ने बताया। पुजारी, आप लोकल यहाँ के? हाँ जी, कमेटी वाले। अच्छा, कमेटी वाले, ठीक है। पहले कुछ दिन पहले वो साइकिल वाले भी आए थे, दो लड़के आए थे ना, उनके सदारते प्रसाद कुशवाहा। हाँ, मैंने वीडियो आपकी देखी है सारी ना। अच्छा अच्छा लगा उस टाइम। जय माता। हाँ चलो, और वापसी में रुक। हाँ, कोई नहीं, रुक के जाए। जय माता दी। शुभ ठीक है। पुजारी जी से पूछना था, हम इसलिए गाड़ी ये साइड पे लगा के ना थोड़ा पुजारी से इतिहास के बारे में पता किए। ये मेरे पीछे पेड़ भरे पड़े हैं सेबों से, किन्नौर के जो जूसी सेब। साइज़ इतना इनका ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये खाने में बहुत मीठे हैं और इसमें जूस बहुत ज़्यादा होता है। ये रेड सेब है, उसके बाद वो पीछे दिखाई दे रहा होगा गोल्डन सेब है, वो वाकई गोल्डन है, गोल्डन की तरह चमक रहा है वो। एक ये पता नहीं क्या है, ये ब्लू बेरीज है या इनकी बोलते हुए चटनी वगैरह बनाते हैं हिमाचल में, तो इसको खाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं इसका टेस्ट कैसा या ख़राब ना करिए। मैं नज़दीक से दिखाता हूँ आपको, एक व्यू पॉइंट बना हुआ है जिस पे ये प्रेयर फ्लैग लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे रुक के हम नीचे जो सांगला वैली की ब्यूटी उसको एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों पर, तो यहाँ पर काफ़ी देर हो गई हमें रुके हुए। पहले ये गाड़ी लाने की जगह नहीं थी पहले, और यहाँ पे फोटोग्राफी लेवल चल रहा था उनका, वो चले गए तो हमें मौका मिला यहाँ पे ब्लॉग बनाने का। Thank you.
शाम के 4 बज चुके हैं और सामने दिखाई दे रहा है चितकुल गांव। तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, फ़ोटो वगैरह करवाते हैं, तो नाइट स्टे करते हैं आज चितकुल। वेलकम टू चितकुल। वो सामने चितकुल नज़र आ रहा है, चितकुल आने पे आपका स्वागत है। फाइनली दोस्तों जहाँ हमने पहुँचना था पहुँच गए हैं। हियर लास्ट विलेज चितकुल। इस टाइम हम चितकुल के एंट्री गेट पे खड़े हैं, वो सामने चितकुल नज़र आ रहा है और इसके बाद फिर आगे चाइना बॉर्डर तिब्बत। तो नीचे ये नीचे बसवा रिवर बह रही है और ये एक कम अपनी फ़ोटो वगैरह लेता हुआ। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम बढ़िया, एकदम अच्छा। ठंड बहुत है, काफ़ी बर्फ भी पड़ रखी है। ऊपर पीक पे पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है, ठंड है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन रात को ज़्यादा ठंड होगी। तो नाइट स्टे भी हम चितकुल में ही करें, तो आगे जाके पहले होटल वगैरह देखते हैं, उसके बाद फिर ये आसपास जो जगह है उस पर एक्सप्लोर करेंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी 4 बजे के करीब हम पहुंच गए थे चितकुल। नाइट स्टे भी हम यहीं पे कर रहे हैं। यहाँ पे आके ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि पीक पे ऊपर बर्फ़ पड़ी है। सुबह मैं आपको दिखाऊंगा सारी। 3 दिन में पहली बार मैंने ये जैकेट डाली है। सीरत ने कैप भी डाली अपनी, जैकेट और ग्लव्स वगैरह, क्योंकि ठंड बाहर बहुत ज़्यादा। हम गाड़ी में बैठे थे, सामान लेने आए थे, सामान ऊपर होम स्टे जो हमें मिला है उस पर पहुँचा दिए। होम स्टे भी आपको दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पे टूरिस्ट आते जाते रहते हैं, अभी गाड़ियाँ टूरिस्ट की आ रही हैं, तो थोड़ी देर तक जितने भी होटल होम स्टे वो सब बुक हो जाएंगे। हम टाइम से आगे थे तो हमें इजीली मिल गया, जो होम स्टे है वो मिल गया। तो अभी फ़िलहाल गाड़ी में बैठ के थोड़ा व्यू देख रहे थे। बाकी ये इंडिया का लास्ट ढाबा है जो, वो मैं सुबह दिखाऊँगा, क्योंकि अभी यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है। सुबह सुबह हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकलेंगे तो अंदर ये गांव भी दिखाएंगे सारा, अंदर जो चितकुल गांव है उसके अंदर भी दिखाएंगे, पुराने जो घर बने हैं वो सारा दिखाएंगे आप सबको। तो अभी फ़िलहाल के लिए आज का जो ब्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलते हैं फिर एक नई सुबह के साथ। शबा खैर, ओके बाय बाय।